चलिए बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, इसमें होती हैं खबरें, खबरों के चलते जहां पर देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी, खबर बताएंगे आपको हम, और उस खबर पर करना क्या है ये निर्णय लेंगे आप, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, तो इसके लिए एक करके तमाम खबरों वाले शेयरों को लेकर के आते हैं, और ज़्यादातर शेयर हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में शामिल भी हो। पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या सवाल निकल कर के आ रहा है, क्या खबर निकल के आ रही है। केसी इंटरनेशनल को आज एक बड़ा अच्छा ऑर्डर मिला है, 1171 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है, और ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के लिए कंपनी को मिला है, और ये जो कंपनी को ऑर्डर मिला है वो सऊदी अरब और यूएई से कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूएई से ऑर्डर मिला है, वहीं 380 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए सऊदी अरब से ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ इन ऑर्डर की खबर से देखने को मिल रहा है। करीब 7% से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी भी इस शेयर के अंदर करीब 6.5% से ज़्यादा की मजबूती बनी हुई है। 926 का लेवल देखने को मिल रहा है केसी इंटरनेशनल के अंदर। आपकी सलाह क्या होगी सर, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप क्या अभी होल्ड करना चाहेंगे? देखिए विपुल जी, 14 जून के बाद से ये सिक्स्थ अटेम्प्ट है जहां ये 960-970 की जोन नहीं निकाल पा रहा है स्टॉक, तो मैं 970 रुपए के ऊपर इसमें बाइंग करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि वहां से फिर सारे रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएंगे और स्टॉक 1050 तक की अप मूव के लिए रेडी हो जाएगा। तो प्रीएम्प्टिव जिसने लॉन्ग किया है, सुबह भी मैं मीडिया चैनल पर लाइव था, तब भी ओपनिंग में मैंने कहा था कि प्रीएम्प्टिव जिसको लेना है वो ले सकता है। 970 रुपए तक स्टॉक जा रहा है, 970 के ऊपर टिकता है तो फिर 1050 तक जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से थोड़ी सी सेलिंग आई है 954 का हाई बना के। तो मैं अब यहां से फॉलो अप सजेशन मेरा यही है कि 970 रुपए निकलने का वेट कीजिए, जैसे वो निकलता है स्टॉक में 1050 तक की अप मूव बनेगी, तो 970 के बाद ही बाई करना है। तो अभी जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो रुकावट का स्तर है, उसके बाद ही अगर आप ख़रीदारी करने की सोच रहे हैं, उसके बाद ही खरीदारी करें, ये आपके लिए राय निकल कर के आती हुई। इस बीच स्टार नारायण जी कह रहे हैं एचएल के ऊपर फिर से सवाल आ गया, एचएल पर एग्जिट की सलाह है, ये हम आपको बता सकते हैं, अभी सवाल जवाब कर लेंगे हम, लेकिन इस सेगमेंट के बाद अगर सवाल लेने का समय बचा तो। लेकिन इस बीच अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन के ऊपर, जयकॉर्प पर क्या कुछ हो रहा है आपको बता दें। कंपनी की आज बोर्ड बैठक है, और इस बोर्ड बैठक में कंपनी जो है वो शेयर बायबैक को मंजूरी दे सकती है, और हाल फिलहाल में शेयर बायबैक की खबर जहाँ पर भी आई है वहाँ पर हमने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि चूंकि आज ही ये बोर्ड बैठक है तो थोड़ा सा सुस्ती जो है, शुरुआती तेजी के बाद मुनाफा वसूली जरूर हावी हुई है, और शेयर ने हाल फिलहाल में 350 की एक बाधा थी उसको वो शेयर ने पार किया है। पिछले 6 महीने में 25% और 1 साल में 70% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर जयकॉर्प पे आज खबर है, खबर हालांकि थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है शुरुआती तेजी के बाद, अभी जो है करीब 4.5% से ज़्यादा ऊपर कामकाज करता हुआ, अब देखना ही होगा कि किस तरह का बायबैक आता है। आपकी टिप्पणी जयकॉर्प को लेकर के? देखिए जयकॉर्प में थोड़ी सी ऊपरी स्तर से सेलिंग आ रही है, लेकिन वीकली चार्ट पे ये एक बड़ा पैटर्न बना रहा है, कब हैंडल पैटर्न है, ऑलमोस्ट 33 हफ्ते निकल चुके हैं। ब्रेकआउट इस स्टॉक में बनेगा 411 रुपए के ऊपर, तो धीरे धीरे करके स्टॉक 411 तो निकल जाएगा, उसके ऊपर जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा बड़ा ब्रेकआउट बनेगा, स्टॉक में 550 तक की अपमूव रहेगी। प्रीएम्प्टिव बाई सजेस्टेड नहीं है, 411 निकलने दीजिए, उसके बाद बाई कीजिए, क्योंकि दो अटेम्प्ट पे ये फेल करके नीचे में 320-330 रुपए तक के लेवल टेस्ट कर चुका है, तो अगर वापस से फेल होता है तो डाउनसाइड थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, तो 411 के ऊपर सस्टेन करने या वेट कीजिए, उसके बाद स्टॉक को आउटराइट परचेज कर लीजिएगा, 550 आपको फटाफट आता हुआ दिखेगा। अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है, 411 के ऊपर ब्रेकआउट जब सस्टेन हो तभी बाइंग बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल कर के आ रही हैं। ये है पीएफसी और आरईसी, इन दोनों कंपनियों पर जो है आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, कारण यूबीएस ने इन दोनों कंपनियों पे अपनी कवरेज जो है वो इनिशिएट की है, और आपको बता दें कि दोनों कंपनियों के ऊपर कवरेज इनिशिएट करने के साथ शेयरों पर जो है कंपनी ने बाई टारगेट जो है वो यहाँ पर जो है दिए हैं, और साथ साथ लक्ष्य भी जो है पीएफसी आरईसी पर उन्होंने बढ़ाए हैं। पीएफसी में आज 1.5%, आरईसी में 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और कंपनी को ये उम्मीद है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो शेयर में 18-20% तक रह सकता है जो है 2029 तक, तो काफ़ी बुलिश हैं वो पीएफसी और आरईसी दोनों ही शेयरों को लेकर के। सर आपकी राय क्या होगी, एक और पीएफसी
क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, यहाँ पर क्या अभी भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? 2% की तेजी पीएफसी में देखने को मिल रही है, वहीं आरईसी की बात करें तो अब 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है पीएफसी आरईसी के अंदर, क्या करना चाहिए सर? हालांकि आप एनएचपीसी को लेकर के उतने उत्साहित नहीं थे, पीएफसी आरईसी को लेकर के हैं क्या? और दूसरा पावर को लेकर के, खासतौर से पीएसयू पावर को लेकर के, इरडा को छोड़कर के कोई कंपनी अच्छी लग रही है आपको? इरडा पे तो आपका व्यू आ गया है। देखिए पीएफसी में थोड़ा सा पैटर्न ठीक लग रहा है, लेकिन सेक्टर टेलविंड मिसिंग है तो थोड़ा सा डाउट जरूर रहेगा। अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो 2-3 दिन कंसोलिडेशन 557 के अराउंड बनेगा, उसके बाद ब्रेकआउट पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ पीएफसी आरईसी में, क्योंकि आरईसी का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। प्रोबेबली फील्ड हाई बनने की पॉसिबिलिटी है समवेयर अराउंड 646, तो आरईसी तो कंप्लीटली अवॉइड है। पीएफसी अगर 557 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार बाई कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल कमेंट्री है मेरी तरफ से। जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है वो ये कहता है कि ये पैटर्न या तो ब्रेकआउट के दिन फेल करेगा या ब्रेकआउट आने के बाद 1-2 दिन फॉलो थ्रू मूव लेके फेल करेगा, बट इवेंचुअली 80% ऑफ द टाइम्स इतना लेट स्टेज ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो मेरी तरफ से तो अवॉइड की सलाह है, लेकिन केवल केवल चार्ट्स के बेसिस पे जाएं तो 557 के ऊपर अगर ब्रेकआउट बनता है तो स्टॉक में एक 20-30 रुपए की रैली बन सकती है। तो पीएफसी पे जो है, अगर खाली चार्ट को देखा जाए तो 20-30 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत कन्विक्शन अभी नहीं दिखाई दे रहा है शेयर के अंदर, लेकिन सर अब चूंकि पावर की बात हम कर रहे हैं तो, और ख़ासतौर से पीएसयू पावर की बात, तो इसमें एनएचपीसी, एनटीपीसी और एसजेवीएन, ये कैसे लग रहे हैं सर आपको? इनमें से कोई अच्छा लग रहा है या पीएसयू पावर से भी दूर रहने की सलाह है आपकी? देखिए एनएचपीसी का चार्ट तो खराब लग रहा है, एसजेवीएन भी आज 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को पुल बैक दे के इंट्राडे में गिव अप कर दिया। जनरली स्टॉक वहां पे जाके हाई पॉइंट पे क्लोज करता है और अगले दिन रिवर्स करता है लोगों को ट्रैप करते हुए, ये सेमी डे एकदम से रिवर्स कर गया है, तो ये अपने आप में भी वीकनेस शो कर रहा है। और तीसरा एनटीपीसी में भी कुछ हद तक वीकनेस ही देखने के लिए मिल रही है, ब्रेकआउट आया था 3 सेशन पहले जिसको ऑलमोस्ट फेल कर रहे हैं। तो एनटीपीसी में हल्की सी एक बढ़त देखी जा सकती है, लेकिन एनएचपीसी और एसजेवीएन क्लियरली यहाँ से सेल की सलाह है। अगर आपके पोर्टफोलियो में रखे हैं स्टॉक तो यहाँ से भी एग्जिट कर लेना चाहिए, 20-22% नीचे आ सकते हैं। एनटीपीसी में बहुत क्लियर व्यू नहीं है, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल होने वाला है, अगर फेल हो जाता है तो फिर एक सेल की सलाह रहेगी। फेलियर का जो लेवल है वो 400 रुपए का है, 400 के नीचे बुलिश ब्रेकआउट फेल होगा, लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस कटना स्टार्ट होंगे, तब ये 360 रुपए तक आता हुआ दिखेगा। तो एनटीपीसी में सेल की सलाह रहेगी 400 के नीचे, बाकी दोनों को आउटराइट यहीं पे बेच लेना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब पावर से भी दूरी रहें, अगर एक इरेडा खाली मुझे लगता है बचा खाली जो आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी पीएसयू पावर में भी आपको पॉजिटिव व्यू नहीं है अभी? देखिए एरडा और एमएमटीसी ये दो काउंटर में मेरे को लग रहा है कि बड़ी मूव आ सकती है। एमएमटीसी ट्रेडिंग बेट के हिसाब से है, एरडा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। जीनस पावर, एक और पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, और इसमें ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं। हाल पर कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक ऑर्डर की खबर आई थी, 4,469 करोड़ रुपए का एडवांस मीटर के लिए कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। अगस्त में कंपनी को करीब 11,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के अब ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ करके 32,500 करोड़ रुपये पहुँच गई है। और वहीं अगर बात करें तो कंपनी के मीटर बनाने की क्षमता जो है वो 1 करोड़ जो है वो पहुंच चुकी है, 1 करोड़ मीटर बनाने की क्षमता जो है वो हो गई है। नए ऑर्डर के बाद हम देख रहे हैं आज अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया। ये शेयर में अपर सर्किट बहुत जल्दी लगता है, 5% के का ही एक विंडो है। क्या सलाह रहेगी सर? 465 पे शेयर ट्रेड करता हुआ, अगर इस शेयर पर अगर हम नज़र डालें तो पिछले 1 महीने में 25% का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, और पिछले 6 महीने के अंदर 86% का रिटर्न। जीनस पावर काफ़ी शानदार मूव दिखाता हुआ सर, और अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपर सर्किट खुले तो कोशिश करनी चाहिए खरीदारी की, या फिर आपको लगता है काफ़ी रैली आ चुकी है, अवॉइड करना चाहिए? देखिए इसमें हमने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि जैसे आपने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया कि 5% सर्किट है, मैं सुबह जल्दीबाजी में इसको नोटिस नहीं कर पाया था 5% का सर्किट है। 464 रुपये में आज हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है, तो हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक हो सकता है।
बाई देने की वजह एक ब्रेकआउट थी, लेकिन मैं जज नहीं कर पाया था उतनी जल्दी कि 5% सर्किट है, नहीं तो मैं अवॉइड कर देता। बट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, 464 रुपये में सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है, तो क्लाइंट्स हमारे लॉन्ग हैं। टारगेट हमें यहाँ से 8-9% का अपसाइड दिख रही है आराम से, तो समय अराउंड 495 से 500 के बीच तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रिपीट कर देता हूँ, हमारे क्लाइंट्स आज सुबह 464 से लॉन्ग है। चलिए, तो 464 से लॉन्ग है, ये डिस्क्लेमर यहाँ पर आता हुआ तो क्लाइंट्स को रिकमेंड किया गया है। आप अपनी रणनीति तय कर लीजिए, जैसा कि हम आपको कहते हैं कि खबर बताएंगे हम, और क्या एक्शन होना चाहिए वहाँ पर वो बताते हैं अंशुल जी। इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और वो है पेटीएम। पेटीएम में हमें आपको बता दें, पेमेंट सर्विस डाउन स्ट्रीम निवेश के लिए आपको बता दें, वित्त मंत्रालय से जो है वो पेटीएम को फिलहाल के लिए मंजूरी मिल गई है, और पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अब दोबारा कंपनी जो है वो आवेदन जो है वो करने की योजना बना रही है। 2022 में पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस परमिट जो है कंपनी का वो खारिज हो गया था, उसके बाद से हमने देखा था कि शेयर में थोड़ी लंबे समय तक सुस्ती जो है वो देखने को मिली थी, और आज हम देख रहे हैं कि करीब 1.5-2% ऊपर पेटीएम का शेयर। पेटीएम में फिर से कुछ ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है क्या सर, या फिर जिन लोग ऊपर फंसे हैं उनके लेवल्स आएंगे क्या, और फ्रेश एंट्री के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, पेटीएम को विपुल जी मैं ADAG कैटेगरी में रखता हूँ कि एक अच्छी न्यूज़ पे स्टॉक चलने लगता है और एक खराब न्यूज़ पे स्टॉक में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होता है, जहाँ से डाउनसाइड बचाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आर पावर में देखिए, खराब न्यूज आई, लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ, एग्जिट नहीं मिल रहा है। तो मैं बहुत जल्दी पेटीएम पे कोई सलाह देता नहीं हूँ, मेरी सलाह हमेशा अवॉइड की रहती है। लेकिन अगेन चार्ट को अगर देखें तो 500 का एक महत्वपूर्ण स्तर है, जिसको इस स्टॉक प्रोटेक्ट किया है खराब न्यूज में, और 3 दिन से आज थर्ड डे है जहाँ इनसाइड बार है, 560-565 और लेवल्स निकलता है तो स्टॉक में रैली डेवलप हो सकती है। चार्ट के बेसिस पे देखें तो पहला टारगेट 612 रुपये आता है, दूसरा टारगेट जो बन के आएगा वो 680 का आएगा। बट ये केवल टेक्निकल कमेंट्री है चार्ट देखते हुए, मेरी पर्सनल सलाह आप मानेंगे तो पेटीएम जैसे स्टॉक से दूर रहिए। बाजार में बहुत अच्छे अच्छे काउंटर्स हैं, ADF फूड में ब्रेकआउट आ रहा है, होनासा में ब्रेकआउट आ रहा है, वहां प्ले करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट ओवरहेड सप्लाई नहीं है और कोई खराब न्यूज आने की गुंजाइश पेटीएम के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये फिलहाल पेटीएम के ऊपर राय निकल करके आती हुई यहाँ पर, और इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आइए, और देखते हैं यहाँ पर क्या गतिविधि देखने को मिल रही है और क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, और वो है नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 की खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये खबर आप लोगों को हर जगह अखबारों में भी देखने को मिली होगी। CCI ने डिज्नी और रिलायंस के मर्जर को जो है जो विलय होना है उसको मंजूरी दे दी है। अब दोनों कंपनियों के पास कुल मिला जुला करके अब हो जाएंगे 120 चैनल, और इसके अलावा डिज्नी के पास ICICI क्रिकेट इवेंट के TV डिजिटल राइट्स भी हैं, तो इसका भी जो है फ़ायदा यहाँ पर जो है मिलता हुआ दिखाई देगा जियो को। डिज्नी के पास IPL ब्रॉडकास्टिंग के भी 2028 तक के राइट्स हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी डील यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 6% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। सर, नेटवर्क 18 बड़ी डील, और हालांकि अब थोड़ा सा हल्का हो गया है शेयर, 5% 4.5% की तेजी अब बाकी रह गई है। नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट में भी तेजी है, TV18 ब्रॉडकास्ट में भी तेजी देखने को मिल रही है करीब करीब 8.25% की। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज अच्छी मोमेंटम बना हुआ है, 2.25% ऊपर। आज कंपनी की AGM भी जो है और वो चल रही होगी, और आपकी सलाह क्या रहेगी इन तीनों शेयरों में कौन सा अच्छा लग रहा है? अगर पैसे लगाने हो तो क्या TV18 ब्रॉडकास्ट पे लगाएं, जो कि 51 के आसपास चल रहा है, या फिर DDD वाले नेटवर्क 18 मीडिया में लगाएं, या फिर सीधे पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि आज 2.25% ऊपर है? देखिए विपुल जी, TV18 हमने सुबह अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था, यहाँ पर कार्डिनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 52 रुपए के ऊपर, तो 52 रुपए में स्टॉक रिकमेंड किया है, ऊपर में 58-59 हमको आता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक में और थोड़ी अपसाइड डेवलप होगी। तो नेटवर्क 18 स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स 52 रुपये सुबह से लॉन्ग है। दूसरा, नेटवर्क 18 में भी एक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है 116-117 रुपए तक, 108 रुपए पे एक बार स्टॉक अटक सकता था और 106 रुपए से आज रिवर्स किया है, तो तेजी लग रही है। लेकिन आउट ऑफ द टू TV18 ब्रॉडकास्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। रिलायंस पे विपुल जी मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ बाई सेल या प्राइस टारगेट, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 60% से ज्यादा रिलायंस पड़ा हुआ है, तो रिलायंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। और उसकी वजह यह है कि निफ्टी का जो मोमेंटम इंडेक्स है
वो अब अंडर परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट क्वालिटी इंडेक्स। तो क्वालिटी इंडेक्स जब आउट परफॉर्म करता है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी आती है, इसलिए मैंने अपना पैसा जो है मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर से उठा के लार्ज कैप में शिफ्ट किया था, और उसमें बेस्ट काउंटर मुझे रिलायंस लग रहा था, तो मैंने अपना पैसा रिलायंस में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। चलिए उस पर कमेंट करने को रहने दीजिए, उस पर हम कल राय ले लेंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन आपने बाकी दो पे टिप्पणी की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच जो है, इसी के साथ हम अपने इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।